हर्षी को तो तुम दोनों अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हो ना, हमेशा उसे चुटकी चुटकी कहकर अपना प्यार जताते हो ना। मेरे सामने इस तरह से सर मत हिलाओ, अपना मुंह खोलो। और गोपी बहन के सामने मुंह खोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई और मेरे सामने चुप खड़े हो, बोलो ना मेरे सामने भी, तुम दोनों राशि को चाहते हो ना, और उसके लिए तुम दोनों कुछ भी कर सकते हो। से यस और नो? यस मॉम। वेरी गुड। अब मान लो तुम्हारे सामने हमारी राशि जो सिर्फ 2 महीने की हो, रस्सी से बांधकर टोकरी में डालकर फिर उसे लटका कर छोड़ दे और उसे मारने की धमकी दे, तो तुम दोनों क्या करोगे? हमने उसे उसके हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाए उसके सामने, लेकिन उसने हमारी एक नहीं सुनी। तुम्हारी गोपी मां जिसे तुम बिना सोचे समझे खूनी कहकर आए हो, उस गोपी भाभी को अधमरी हालत हाथ पैर बांधकर बहती नदी में फेंक दिया था। हमारे वहां पहुंचने के पहले ही राधा ने, निर्दयी राधा ने अपनी सगी बहन गोपी को नदी के बहते पानी में फेंक दिया। और उस वक्त तुम्हारे बाप ने क्या किया पता है? अपनी पत्नी को बचाने के लिए ये नदी में कूद गया। खो ही दिया था हमने उन्हें, सिर्फ और सिर्फ उस राधा की वजह से। वो राधा जिस पर तुम लोग को बहुत तरस आ रहा है ना, उस राधा ने हमें सिर्फ आज तक दुख दिए हैं, तकलीफें दी हैं बस। तुम्हारी छोटी दादी, तुम बहुत प्यार करते हो, घुटने पर बिठा कर। लो मैं अपने घुटनों पे भी आ गई, लो जमीन पर अपने नाक रख लो। नाक रगड़वा कर उनसे माफी मंगवा, यहां तक कि उन पर हाथ भी उठाया। वहां खड़े होकर बस देखते रहे, चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। हम और क्या कर सकते थे? किसी भी कीमत पर मुझे राशि को बचाना ही था। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं ओंकारेश्वर जैसी पवित्र भूमि पर खड़ी थी, मैंने हाथ जोड़कर शिव शंकर भोलेनाथ का आह्वान किया, हे भोलेनाथ हमारी नन्ही सी राशि की जान बचा लो। और भोलेनाथ शिव शंकर ने मेरी प्रार्थना सुन ली। जिस गोपी वो को हम समझ रहे थे कि वो हमेशा हमेशा के लिए दूर चली गई है, हम सब के लिए, राशि के लिए, जैसे स्वयं कृष्ण भगवान ने गोपी को तारणहार बनाकर भेज दिया, और मेरी गोपी वो नदी के पानी से बाहर आई। तुम दोनों को गोपी ने अपनी सगी बहन को त्रिशूल से मार दिया, ये कल्पना से बहुत दुख हो रहा है ना? तुम दोनों तोलू मोलू सब दुखी हो, लेकिन उस समय हमें कोई दुख नहीं हुआ। पता है क्यों? क्योंकि ऐसी विकट परिस्थिति में जब अपनी कोख की जनी बच्ची को राधा मारने जा रही थी, उस वक्त गोपी वो त्रिशूल लेकर नदी के पानी से बाहर निकली और उसने राधा को मारा नहीं, उसका जिस तरह से माँ दुर्गा ने त्रिशूल लेकर महिषासुर का वध किया, उसी तरह मेरी गोपी बहू ने त्रिशूल से राधा का वध किया। अहम दिख रहा, तुम चुप हो? अभी भी चुप रहकर अन्याय करना अपराध है, और उससे भी बड़ा अपराध है चुप रहकर दूसरों पर अन्याय होते हुए देखना।
बड़े गर्व से मैं सबको, पूरी दुनिया को सर उठाकर कहती थी कि अहम मेरा बेटा है। और आज वही सर झुकाकर शर्म से मैं कहती हूं कि मुझे शर्म आती है कि अहम मेरा बेटा है। नहीं माँ जी। नहीं गोपियो, तुम अहम की तरफदारी नहीं करोगी। इतने कठोर तुम नहीं थे अहम दिख रहा, गलत किया तुमने। 10 वर्षों से अपनी बेटियों को झूठ कहते चले आए हो तुम, और इसीलिए तुम्हारी इस गलती की वजह से विद्या और मीरा अपनी सगी मां से नफरत करती है। यदि तुम लोग मानते हो कि मेरी गोपी वो खूनी है, तो आज तुमने भी खून किया है अहम, खून किया है अपनी मां के विश्वास का, खून किया है गोपी वो के दिल में तुम्हारे प्रति जो प्रेम है, खूनी हो तुम। दादी पापा चुप। तेरी बदतमीजियां सहन करती चली आई हूँ, जो मुंह में आए वो पक्की चली जा रही है अपनी माँ के बारे में। अब नहीं, इस वक्त तो मुझे गोपी बहन की चिंता हो रही, पता नहीं उन पर क्या बीत रही होगी। तुम दोनों आधा सच जानते हो, इसलिए तुम दोनों गोपी बहन को दोषी मान रहे हो, लेकिन सच्चाई यही है कि उस वक्त अगर गोपी बहन ने राधा को नहीं मारा होता तो आज राशि हमारे साथ नहीं होती। बिना कुछ सोचे समझे तुम दोनों ने गोपी बहन को कितना कुछ सुना दिया। जिस इंसान को तुम इतना चाहते हो उसके बारे में तुम गलत कैसे कह सकते हो? गलत कहना तो बहुत दूर की बात, उसके बारे में गलत सोच भी कैसे सकते हो तुम? परी, परी संभालो अपने आप, शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊं जिक्स? मुझे हमेशा से ऐसे लगता था कि मैंने अपने दोनों बच्चों को बहुत अच्छी परवरिश दी है। एक बहुत अच्छी माँ हूँ मैं, लेकिन नहीं, आज इन दोनों ने गोपी बहन का अपमान करके मुझे गलत साबित कर दिया, साबित कर दिया कि कुछ ना कुछ कमी रह गई है मेरी परवरिश में। यस सॉरी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मॉम, एक चांस तो दीजिए हमें। डैड, डैड प्लीज मॉम को समझाइए ना। मॉम मॉम प्लीज 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 बात चल रहा है, प्लीज हमारी बात चल रही है, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हमसे गलती हुई है, हम मानते हैं, बड़ी माँ से भी माफी मांग लेंगे। प्लीज प्लीज पहले आप हमें माफ कर दीजिए। प्लीज मॉम प्लीज प्लीज हमें माफ कर दीजिए। की है वो माफी के लायक नहीं है। बंद करो रोना, और खबरदार जो अपनी बेटियों का पक्ष लेकर मुझे कुछ कहा तो। आज तक गोपी वो ने उन गलतियों की सजा भुगती है जो उसने नहीं की, लेकिन आप नहीं। आज के बाद कोई बेवजह मेरी गोपी वो उसे मुंह नहीं लड़ाएगा, ना ही उसे ताना देगा, ना ही उसे गलत साबित करेगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं भूल जाऊंगी कि मेरे सामने खड़ा हुआ इंसान मेरा बेटा है या मेरी पोतिया है या आप मान से। और ये मेरे
सब जानते हैं, कोकिला मोदी एक बार वचन देती है तो उसे हर कीमत पर निभाती है। इसके लिए रो रही हो तुम? इन लोगों के लिए? इन लोगों के लिए अपने आंसू बहा रही हो जिनके दिलों में तुम्हारे प्रति प्रेम नहीं है? ऐसे लोगों के लिए अपने अनमोल आंसू का अपमान मत करो गोपी बहू। ये लोग जो समझना चाहते हैं तुम्हें समझे, लेकिन मैं गर्व से कहती हूं कि ये मेरी गोपी बहू है। बहू के रूप में इसे पाकर मैं धन्य हो गई हूं। मेरी गोपी वो सही थी, सही है और हमेशा सही रहेगी। ये लोग तुम्हें साथ दे या ना दे, मैं कोकिला मोदी हमेशा तुम्हारे साथ थी, हूं और हमेशा रहूंगी। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।